विश्व में कोविड के मामले बढ़कर 52.5 करोड़ हो गए हैं। वहीं मृतकों की संख्या 62.6 लाख हो गई है, जबकि वैक्सीनेशन 11.40 अरब डोज दी जा चुकी है। ये जानकारी जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने साझा की। यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग ने शनिवार सुबह अपने नए अपडेट में बताया कि वर्तमान वैश्विक मामले 52.5578 है। मरने वालों की संख्या 62,62,140 हो गई है। वहीं टीकाकरण की कुल संख्या बढ़कर 11,40,03,35,103 हो गई है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देश है अमेरिका। सीएसएससी के अनुसार दुनिया के सबसे ज्यादा मामलों के साथ और मौतों के साथ अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित देश बना हुआ है। अमेरिका में 8,24,21,624 मामले हैं और 9,99,518 मौतें हुई हैं। कोरोना वायरस के मामले में भारत दूसरे सबसे प्रभावित देश है, जहाँ कोविड के 4,31,16,254 मामले हैं। 1 करोड़ से अधिक मामले वाले देशों के आंकड़ों के अनुसार 1 करोड़ से ज्यादा मामले वाले अन्य सबसे प्रभावित देश में ब्राजील 3,06,64,740, फ्रांस 2,23,21,831, जर्मनी 2,56,61,838, यूके 2,23,61,204, रूस 1,69,84,104, दक्षिण कोरिया 1,77,56,268, इटली 1,69,93,813, तुर्की 1,50,51,761, स्पेन 1,21,27,122 और वियतनाम 1,06,90,471। 1 लाख से ज्यादा मौतों वाले देशों के आंकड़े। जिन देशों ने 1 लाख से ज्यादा मौतों का आंकड़ा पार कर लिया उनमें ब्राजील 6,65,012, भारत 5,24,190, रूस 3,69,855, मेक्सिको 3,24,465, पेरू 2,13,000, यूके 1,77,903, इटली 1,65,091, इंडोनेशिया 1,56,438, फ्रांस 1,48,295, ईरान 1,41,209, कोलंबिया 1,39,821, जर्मनी 1,37,348, अर्जेंटीना 1,28,729, पोलैंड 1,16,138, स्पेन 1,05,444 और दक्षिण अफ्रीका 1,07,44 के साथ शामिल है। कोरोना और वैक्सीनेशन से जुड़ी जानकारी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।